15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और इस पावन अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। और इसी चीज की शुरुआत करते हुए 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी में उन्होंने अनवील करा इंडियन नेवी का नया इंसाइन। तो इस क्विक वीडियो में जानेंगे इस नए इंसाइन के एलिमेंट्स के बारे में और आज तक इंडियन नेवी में क्या क्या चेंजेस हुए। 1947 में भारत की आज़ादी के समय उस समय की रॉयल इंडियन नेवी को दो हिस्सों में स्प्लिट करा गया, इंडिया और पाकिस्तान। और वहीं भारत के रिपब्लिक बनने पे रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी के नाम से जाना गया। उस समय के नेवल इंसाइन में से ब्रिटिश यूनियन जैक को हटा के इंडिया फ्लैग से बदला गया। 1950 से 2001 तक इसी इंसाइन को इंडियन नेवी ने यूज किया। इसमें व्हाइट कलर में रेड कलर में सेंट जॉर्ज क्रॉस को रिटेन करा गया और इंडियन फ्लैग यूज किया गया। 2001 आते तक सेंट जॉर्ज क्रॉस को रिप्लेस करा गया नेवल क्रेस्ट से, पर 2004 में फिर से सेंट जॉर्ज क्रॉस को लाया गया, पर इस बार इसके मिडिल में हमारे नेशनल एम्बलम को प्लेस किया गया। 2014 में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव विजयते को इंट्रोड्यूस करा गया। और अब 2 सितंबर 2022 को एक बार फिर इस इनसाइन में चेंजेस की गई हैं। ये चेंजेस प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से कॉम्प्लाई करती हैं और नेवी के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि द चेंज इन द इनसाइन इज अ वे टू शेड द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ द कॉलोनियल पास्ट। अभी सेंट जॉर्ज क्रॉस को फिर से हटा दिया गया है जो कि एक तरीके से कॉलोनियल इरा की याद दिलाता था। उसकी जगह पे इंडियन नेशनल फ्लैग के साथ नेवी इंसाइन को ऑक्टागोनल शेप में इंस्क्राइब किया गया है। इस ऑक्टागोनल शेप के अंदर सबसे ऊपर इंडियन नेशनल एम्बलम है और उनके नीचे एंकर जिन्हें एक शील्ड पे रखा गया है और सबसे नीचे नेवी का मोटो सम नो वरुणः को देवनगरी में लिखा गया है। ये ऑक्टागोनल शेप इंडियन नेवी की मल्टी डायरेक्शनल रीच को भी सिंबलाइज करती है और उसी के साथ साथ नेवी की मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का भी प्रमाण देती है। ऑक्टागोनल शेप में ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स की इंस्पिरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज की सील से ली गई है। उन्होंने अपने राज में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 60 शिप्स की एक नेवल फ्लीट तैयार करी थी और उनकी नेवी में लगभग 5000 सेलर्स थे। पर्सनली हमारे ओपिनियन में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।